नमस्कार फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल। और जैसा कि आप सबको पहले पता कि मेरी किस समय फोटोशॉप के ऊपर सीरीज चल रही है, तो ये फोटोशॉप सीरीज का तीसरा वीडियो है। और आज हम आपको इसमें वीडियो में बताने जा रहे हैं टूल्स के बारे में। जी हाँ, कि मतलब फोटोशॉप में जब हम अपन कुछ भी फोटो बनाते हैं उसके टूल्स किस किस तरीके से यूज़ होते हैं, किस टूल से कैसे क्या यूज़ किए जाते हैं, तो एक इनका हम आपको बता दें कि टूल्स ओवरव्यू थोड़ा सा पैनल ये हम आपको दिखा देते हैं। इसमें ये दिखा सकते हैं कि कितने प्रकार के टूल्स यूज़ होते हैं, वो आप इसको देख सकते हैं इस तरीके से कि मूव टूल और दिया हुआ है, रेक्टेंगल मर्करी टूल और काफ़ी सारे इसमें लासो टूल्स दिया हुआ है। मेन हेडलाइटिंग आपको बता देते हैं, फिर बाद में इस पर एक एक वीडियो बनाएंगे आपको। और क्रॉप एंड साइलेंस टूल दिया हुआ है, मेजरिंग टूल्स और रीटचिंग टूल दिया हुआ है, प्लांटिंग टूल दिया हुआ है, रेजर ब्लर वगैरह, मतलब बहुत सारे, मतलब एक फ़ोटो को डिज़ाइन करने में, उसको इफ़ेक्ट वगैरह देने में कितने प्रकार के टूल यूज़ होते हैं, वो सारे टूल्स इन्होंने यहाँ पे सब समझा दिए हैं बहुत बड़े। पर ये आपको एक छोटा सा बॉक्स साइड में दिया रहता है, इस बॉक्स में पूरा टूल बॉक्स जिसे कहा जाता है ना। तो ये एक टूल बॉक्स है जिसमें कि हम आप लोगों को बता रहे हैं। अब आपको यहाँ दिखा दें कि आप ये देखिए रेक्टेंगल, अगर आप इस पर माउस ले जाएंगे तो रेक्टेंगल मर्करी टूल जिसका शॉर्ट कोड M होता है ना। अब आप मान लीजिए आपका ये सिलेक्ट है, अगर आपने M कीबोर्ड प्रेस किया तो ये सीधे आपका ये सिलेक्ट हो जाएगा। और ये मूव टूल को यदि आपको करना है तो सीधे V पे आ जाइए, यानी आप कीबोर्ड से भी डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि M और V, M V M V, यानी अपने आप सेलेक्ट हो रहा है। एम पे ये सेलेक्ट है, ये वी पे ये सेलेक्ट हो गया। अब इधर ये जाएंगे अपन इस पे लासो टूल्स पे आएंगे तो इसका शॉर्ट कोड है इसका एल है ना, और ये है डब्लू। तो हमें एल और डब्लू, तो ये देखिए एल और डब्लू, ये देखिए शॉर्ट की इसकी यही है। अगर आपके दिमाग में बैठ गई तो शॉर्ट की में एल और डब्लू से डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं। और ये दोनों भी देखिए, यहाँ पर जब आपकी कर्सर ले जाएंगे तो ये क्रॉप, इससे आप क्रॉप कर सकते हैं। तो ये सी है और ये है स्लाइस टूल है ना, के, तो सी एन स्लाइ के सी एन क्ले, ये देख सकते हैं डायरेक्ट। मतलब आपको कीबोर्ड का बटन आप प्रेस करेंगे तो ये शॉर्ट की हमेशा वर्क करेगी। और इसी प्रकार से ये है, इसका भी देख रहे हैं पैच टूल दिया हुआ जिसका की जे है और इसका है बी, तो J N B ये देख रहे हैं। और ये है क्लोन स्टैम्प टूल, इसका है S, और ये है हिस्ट्री ब्रश S N Y, तो S N Y है ना। अगर आप वर्क कर रहे हैं और अचानक से आपको बार बार माउस चलाने हैं, सीधे कीबोर्ड पे ही आप S N Y ये सब टूल कर दिए। अब आपके सामने ये आ गया ग्रेडियंट टूल्स आ गया, इसका है G और इसका है E, G एंड E है ना, जी एंड ई। और ये है अगला डोजेस टूल, इसका है ओ, एंड ब्लर टूल का है आर, यानी आर आप डायरेक्ट प्रेस कर देंगे तो आपको ब्लर पे वर्क कर सकते हैं। ये देखिए आपको छोटा सा गोला दिखे तो आप इसको जो है अपने कीबोर्ड में पी के बगल में दिखा होगा आपने, ब्रेकेट वाले दो स्विच होते हैं ना, बस उन्हीं से ये मूव होता है, उन्हीं दो ब्रैकेट, उन्हें छोटा ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, इसको आप जैसे ही आप करेंगे ना तो उसी ब्रैकेट के बटन को आप दबाएंगे तो ये छोटा और बड़ा कर सकते हैं इसको, अगर ऐसा कभी आए तो। और ये है आपका टोंगल टूल ओ, ठीक है। अब ये तो टेक्स्ट का है, टेक्स्ट का टी भी आ सकता है, आ जाएगा सीधे डायरेक्ट टी दबाए या तो यहाँ क्लिक करिए, टेक्स्ट मतलब जो आपको इस पर लिखना रहता है ना, जैसे यहाँ पे ये है ना, तो ये टैक्स लिखने का है। और इसमें है ये कौन सा है ना, ये दिखाते हैं आप लोगों को, पाथ सिलेक्शन, पाथ सिलेक्शन का है ये, ए है इसका। और ये है पेन टूल है, और ये है पॉलीगॉन टूल, यूसेज आता है इसका शॉर्ट कोड। और ये नोट्स टूल है, और ये है आई ड्रॉपर, इसको आई ड्रॉपर कहते हैं
है ना, आई टूल से, और ये है हैंड टूल, और ये है जूम टूल, इससे जूम कर सकते हैं आप जेड से। तो आपको बता दें कि ये जो है ये है बैकग्राउंड टूल, ये वाइट जो दिख रहा है ये बैकग्राउंड टूल है, और ये है कलर वाला जो दिख रहा है फोरग्राउंड टूल कहलाता है ना। यहाँ पे आप देखिए तो ये दिख रहा है फोरग्राउंड टूल्स कलर दिया हुआ है, और ये सेट बैकग्राउंड टूल कलर दिया हुआ है, और इसके नीचे ये जो चार पांच विंडोज दिख रही हैं इन चारों को व्यू सेट करने वाले टूल कहा जाता है, ये व्यू सेटिंग टूल्स हैं ये कहलाते हैं। और सबसे नीचे ये है इमेज रेडी प्रोग्राम खोलने वाला टूल, यानी फोटोशॉप में होता है इमेज रेडी का टूल। तो ये जो है ये टूल्स हैं, ये टूल्स कैसे प्रयोग किया जाता है ये इसमें बताया कि हमेशा जो नई फाइल हो या पुरानी फाइल उस पर काम करने के लिए आपको फोटोशॉप के टूल्स और इसको मेन्यू सिस्टम में दिए गए जो कमांड जिसका इस्तेमाल करना होता है। तो फोटोशॉप के अंदर टूल्स बहुत ही भूमिका अदा करते हैं, और इनका प्रयोग करना, आप नई पेंटिंग बनाना, अपने बिजनेस कार्ड बनाना हो, या अपना लोगो वगैरह बनाना हो, कवर पेज बनाना हो किस तरीके से, फोटो पासपोर्ट साइज फोटो या कलर फोटो जैसे भी हो फोटो आप बना सकते हैं, रंग सेलेक्ट करना, उसमें कलर देना, फोटो को में कुछ करेक्शन करना, मतलब इस तरीके से आप बहुत सारी चीजें आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो ये रहा आपको छोटा सा टूल्स के बारे में बताया, अब इसके बाद टूल्स के प्रयोग के बारे में हम आगे आपको बताते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को ये वीडियो, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, और ये टूल्स का एक इंट्रोडक्शन हमने आपको बताया, इंट्रोडक्शन वीडियो था। अब हम क्रमवार इसके बाद टूल से अब आपको प्रयोग करना बताएंगे, हर टूल से कैसे कैसे हम क्या इमेज बना सकते हैं। तो देखते रहें न्यू मीडिया क्रिएशन यूट्यूब चैनल, और मैं आशीष शुक्ला, आप कृपया हमारे साथ लगातार बने रहें, धन्यवाद। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, सब्सक्राइब करते समय बगल में घंटी के निशान बेल आइकन को भी टिक कर दीजिए ताकि हमारे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके ईमेल आईडी पर पहुंच जाए। तो नमस्कार, धन्यवाद।